वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे तो आज की इस वीडियो में अगर आपके फ़ोन के अंदर टेक्नो कैमन ट्वेंटी है और उसमें चार्जिंग स्लो का प्रॉब्लम बना है इस वीडियो में मैं आपको इस चार्जिंग स्लो की प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा और सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकें और आपको पता चले कि आपके किस चीज़ में प्रॉब्लम है सबसे पहले तो आपने चार्जर वगैरह चेक करना होता है चार्जर को चेक कर लिया अपने डाटा केबल को चेक कर लिया यहाँ पे हम इसका ओरिजिनल जो सा चार्जर अडाप्टर है और इसकी डाटा केबल को लगाया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सो चार्जिंग वोल्टेज हैं वो फोर पॉइंट समथिंग कुछ आ रहे हैं और इसमें जो सा करंट आ रहा है चार्जिंग करंट वो वन थाउजेंड फोर हंड्रेड के करीब का आ रहा है तो यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया इससे हमें ऐसे पता चला कि इस फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है और जो स्लो चार्जिंग कर रहा है यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ये देख लेना है ये टेक्नो कैमोन ट्वेंटी है और इसका जो सा मॉडल है सी के सिक्स एन है ठीक है यहाँ पे आप नीचे बिल्ट नंबर पर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का वर्जन नज़र आ जाता है जो वी थ्री फोर के से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपने सबसे पहले तो इस फ़ोन के साथ ऐसे करना है कि फ़ोन को आपने अपडेट करके देखना है लेकिन याद रखें कि जब भी आपने इसको अपडेट करना है आपकी बैटरी फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे मेरे पास थर्टी थ्री परसेंट बैटरी है और यहाँ पे आपके पास फिफ्टी परसेंट बैटरी का होना ज़रूरी है आप इस तरीके से भी अपडेट कर सकते हैं लेकिन मैं इसको पीसी के साथ अपडेट करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वी थ्री नाइन सिक्स फोर वाली अपडेट लेटेस्ट अपडेट है और मेरा जो सा वर्जन है वो पुराना है अब यहाँ पे हम इसको आ, बैटरी को जो या तो चार्ज करके फिफ्टी परसेंट से ऊपर तो फिर इसको अप, अपडेट करेंगे या फिर मैं इसको पीसी के साथ करूँगा ये वाली मैं फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद इसका सॉफ्टवेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि चार्जिंग स्लो का जो सा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं होता तो ये टेक्नो कैमोन ट्वेंटी के फोन में ये प्रॉब्लम आया तो इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं सबसे पहले हम इसका सॉफ्टवेयर करते हैं हम दोबारा से इसका वर्जन वगैरह हर चीज़ को चेक कर लेते हैं और करंट को भी दोबारा से चेक कर लेते हैं इसका औरिजिनल अडाप्टर और केबल हमने लगाया हुआ है बैटरी हमारी थर्टी है यहाँ पर आप ये कोड में स्टार हैश नाइन हैश और उसके बाद आपने मैनुअल टेस्टिंग में चले जाना है जैसे ही आप मैनुअल टेस्टिंग में जाके यहाँ पे चार्जिंग पे देखते हैं तो सेम सिचुएशन है यहाँ पे चार्जिंग वोल्टेज है जो से वो फोर पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है अगर ये नाइन पॉइंट पर जाएगा तो ये फास्ट चार्जिंग होगा और इसी तरीके से जो सा चार्जिंग करंट है उसको भी कम से कम सेवन थाउजेंड तक जाना चाहिए सेवन थाउजेंट एट तक यहाँ पे हमने कुछ और भी किया हुआ है फ़ोन को हमने खोला है और इसका नीचे वाला सब बोर्ड को भी हमने चेंज किया अगर सब बोर्ड से मसला हल नहीं हुआ क्योंकि इसका ओरिजिनल वाला भी ठीक था और ये दूसरा भी हमने ओरिजिनल डाला है तो उसका सब बोर्ड भी ठीक है जिसको हम चार्जिंग स्टेप भी बोलते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फ़ोन को अपडेट कर लिया है पी के ज़रिए लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोन भी वही है यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैं सॉफ्टवेयर का वर्ज़न दिखाता हूँ जो सा मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही वर्जन है जो सा मैंने आपको दिखाया था ठीक है और यानी कि अपडेट वर्जन है उसके अलावा मॉडल भी वही है और ये फ़ोन भी वही है ठीक है अब आप इसको दोबारा से इसको हम इसका चेक कर लेते हैं करंट क्या आ रहा है तो यहाँ पर हम देख सकेंगे अब मॉडल हमारा सी के सिक्स है मैनुअल टेस्टिंग पे जाते हैं चार्जिंग पे जाएंगे और यहाँ पे सेम कंडीशन वही है फोर पॉइंट कुछ समथिंग इसके वोल्टेज हैं और जो सा करंट है वो आगे से भी कम हो चुका है आगे से कम इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी बैटरी नाइन्टी वन परसेंट है ठीक है हमें जो सा चार्जिंग वोल्टेज है वो नाइन वोल्ट का होना चाहिए और फिर ही ये फास्ट चार्जिंग होगा जैसे जैसे आपकी बैटरी फुल होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर जा के नीचे आया और जैसे जैसे आपकी बैटरी फुल होती है आपके जो सा करंट होता है चार्जिंग करंट वो कम हो जाता है और अम्पेयर सेम रहते हैं अब यहाँ पर हमारा सिचुएशन दोनों ही आउट है और अब हम तीसरे नंबर पे इसके साथ हम ऐसा करेंगे कि फ़ोन को हार्ड रीसेट करेंगे और हार्ड रीसेट करने के बाद चेक करेंगे क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है इसके अलावा कोई अपडेट नहीं आई तो अक्सर ऐसे होता है कि सॉफ्टवेयर करने के बाद जब भी आपने हार्ड डर सेट करना है तो ये चीज़ जहन में रखें कि आपका जो जितना भी डाटा है वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा उसमें आपकी कोई चीज़ नहीं बचेगी और अगर आप मोबाइल से सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो फिर बच जाएगी ये हार्ड रीसेट करने के बाद आप देख सकते हैं नाइन पॉइंट टू वोल्ट आ चुके हैं यहाँ पर और जो सा करंट भी बढ़ा हुआ है और बैटरी हमारी नाइन्टी नाइन्टी वन प्लस में जा रही है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे जो सा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है हार्ड रीसेट करने के बाद ठीक है यहाँ पे हमने इसको हार्ड रीसेट कर लिया है हार्ड रीसेट करने के बाद हमारे जो से चार्जिंग वोल्टेज हैं वो बढ़ चुके हैं और जो उनसे uh, करंट है वो भी बढ़ चुका है अभी मिली पेयर हमारे टू टू फाइव ज़ीरो वन पे चला गया अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये बैटरी फुल होती जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी हमारी नाइन्टी प्लस में है और इसके जो से वोल्टेज क्लियर हो चुके हैं फ़ोन भी वही है और सारी चीज़ें वही की वही हैं हमने सिर्फ इसका सॉफ़्टवेयर अपडेट किया है सॉफ़्टवेयर अपडेट करने के बाद भी इसका प्रॉब्लम हल नहीं हुआ तो फिर हमने इसको हार्ड रीसेट किया तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम हल हो जाता है अगर आपका फ़ोन सम टाइम पे फास्ट चार्ज करता है और सम टाइम पे नहीं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप नेक्स्ट अपडेट की इंतज़ार करें या उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं लेकिन अगर आपका फ़ोन सम टाइम फास्ट चार्ज करता है और सम टाइम पे स्लो चार्ज करता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो ये नेक्स्ट अपडेट जोन से भी आएगी उसमें आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी हो आपका फ़ोन भी अगर आप इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका फ़ोन भी सम टाइम पे फुल फास्ट चार्ज होता है और टाइम पे स्लो चार्ज होता है उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई प्रॉब्लम है कोई आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें और इसके अलावा अगर करंट है अगर ये ज़्यादा नहीं आ रही ये नाइन्टी टू परसेंट पर है जैसे आपकी बैटरी डाउन होती है वैसे ही इसके जो सा करंट होता है वो भी मिली एम वाला वो भी बढ़ना शुरू हो, हो जाता है यहाँ पे आपके पास तकरीबन टू थाउजेंड के करीब आ रहा है ये फिर बढ़ जाएगा